चल पिया जी। हाँ जी भाई, सत श्री अकाल सारे भैन भरावान नौजवानों, खास करके मेरी अज की यह गल मेरे नौजवान भैन भरावान बड़ी सुनने की लोड़ है। जो चीज़ा मैं देखिया ने, जो चीज़ा जिन्ना क मैनू सूझ है, मैं उस हिसाब के नाल थोड़े ना मैं गल करनी है कि जिन्हें भी तुसी जाने देखोगे, मैं देखिया कि राजनीति किस तरह, जिहड़ी राजनीति किस तरह पंजाब की, किस तरह की राजनीति है। एक बंदे दे तुर जाण तों बाद हर एक कहिंदा मैं राजनीति नहीं करदा, सारे राजनीति करदे नेगे। पंजाब दे विच राजनीति हुंदी है, एक बंदा तुर गया उहदे जाण तों बाद बहुत राजनीति हुंदी है। राजनीति इस तरह की हुंदी है कि घटिया राजनीति, कि उह जदों बंदा तुर जांदा उहदी आत्मा नूं शांति लई, साडे मैं कथा भी सुनिया ने, गुरु घरां दे विच सुनिया ने वी उहदी आत्मिक शांति लई अरदास करिए, कोई पुन्नदान करिए, है ना, आत्मा दी उहदी आत्मा नूं वी परमात्मा उहदी आत्मा नूं शांति देवे। पर इत्थे उहदी आत्मा नूं, बंदे दी आत्मा नूं तड़फाउण दे लई किस तरह जिहड़ी राजनीति कीती जांदी है। मैं सिद्धू बाई नाल, मेरे नाल इस गल तों नाराज़ हो गया सीगा कि तूं कांग्रेस दा चोण प्रचार नहीं करन आ रहा। मेरी बड़ा मित्र सीगा, मैं उहदे खिलाफ़ कुछ नहीं बोलिया, मैनूं बड़े कमेंट आए लोकां ने तूं सिद्धू बारे कुछ बोल, सिद्धू बारे बोल, मैं वोटां दे विच कुछ नहीं बोलिया। बड़ा नाराज़ होया, घर वी आया, फोन बड़े आए, तूं आपदे आप नूं लीडर कहाउण लग गया वड्डा। मैं कहा कोई गल नहीं, मेरा भरा है छोटा, मैथों इहनूं आप ही इह गल दा चानणा हो जाणा, इहनूं आप ही इस गल दा पता लग जाणा, मैनूं चंगी तरह पता सीगा। ते जदों कांग्रेस ज्वाइन करी, मैं उहदी कहा, मैं कहा भाई तूं इहनूं ज्वाइन ना कर, किसी भी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन ना कर, तू तू अज खुद का मुख, तू खुद सीएम है, तेरी खुद सीएम तो एक बड़ी पहचान है, तू खुद मंत्री है, तैनू कला पंजाब नहीं तैनू दुनिया सारा वर्ल्ड प्यार करता। मैं सिद्धू ने यह गल आपके मूहों यह गल मैं कही सी, तू कांग्रेस ज्वाइन ना कर, किसी पार्टी को ज्वाइन ना कर, मैं तैनू, मैं सिद्धू ने यह गल कही सी। पर मैं सारिया गल् पता सगिया भी क्यों सिद्धू जाना चाहता, क्योंकि कौन लैके जाना चाहता उन्होंने राजनीति दे विच, मैनूं इह बड़ा चंगा पता सीगा, क्योंकि वह लोगों सीगा अपना फायदा सीगा, अपना फायदा सोच रहे थे, अपना फायदा दिस रहे थे। जिहड़े लोगों उस टाइम उन्होंने पार्टी ज्वाइन कराने वेले फायदा दिख रहा सीगा, वह लोग हुण भी इस टाइम फायदा लै रहे नेगे। कोई मोमबत्तियां जगाई जांदा, कोई कुछ करी जांदा, कोई कुछ करी जांदा। मैं बोलना नहीं चाहता, पर मैं देख रहा सीगा भी बोलना भी, यह गल ते बोलना भी जरूरी है। मैं ये जदों के जदों एक्सीडेंट हो गया बाई का, मैं उस टाइम ही हस्पताल दे विच जा वड़िया सीगा, क्योंकि मैं ना तो मैं चार पाँच तक दो तीन महीने तो उहदे कोले गया सीगा, ना मेरी कोई वह गल करता सी मेरे नाल, जदों मेरे नाल पूरे गुस्से हो गया सीगा भी तू मेरा पिंडां दे विच चोण प्रचार क्यों नहीं कर रहा, तू होर किसे दा चोण प्रचार करन लई जा रहा, तू कांग्रेस का चोण प्रचार क्यों नहीं। मैं उहनूं बाई नूं कहती सी, मैं कहा बाई तू मेरे नाल जिन्ना मर्जी गुस्से हो जा, पर मैं कांग्रेस का चोण प्रचार नहीं करूँगा, आ जिहड़ी दिल्ली दीआं पार्टियां दा मैं चोण प्रचार नहीं करूँगा। इस करके अज जिहड़ियां जिहड़े बंदे, मैं एक थोड़ी जी वीडियो दिखाउणा चाहुणा, क्योंकि उहदे गैंगस्टरां नाल लिंक साबित हो गए, एक दो मर्डर केस है उहदे च, जिहदे कोल जिहदे कोल सारी रिकॉर्डिंग करवाउंदा है सारा कुछ, कहिंदा जी लिंक उहनां नाल लिंक हो गए, फिर उह डरा के उहनां ने कीता। पर जे लिंक साबित हो जाणगे, ऐ नहीं उह सोचदा कि मैनूं कांग्रेस बचा लूगी, ना कांग्रेस बचा सके। अज मूसे वालां नूं इहनां नूं लै के आए ने, गुजारा हो रहा उत्थे मानसा दे विच, कहे जा गैंगस्टर नूं कैसे लैके आए हो तुसीं बच्चे, पंजाब हैज ग्रोन, यही भाजपा का बयान है, यही सरसे वर्गों का बयान है, सारा का यही बयान सी, सारा का यही बयान से। इन्होंने राजनीति की, जे फर्ज करे कोई आम आदमी पार्टी ज्वाइन करता, जा कोई अकाली दल ज्वाइन करता, जा कोई दूजी तीजी पार्टी ज्वाइन करता, फिर कांग्रेस वाले ने यही टिप्पणियां करनिया सी, यह आ पंजाब की राजनीति, यह आ पंजाब की राजनीति। फिर उही जिहड़ियां पार्टियां उहदे टिप्पणी करदे सिद्धू ने, फिर उन्हें फिर कांग्रेस ने जिहड़े राजे बड़िंग वर्गे ने कहना सीगा भी एक गैंगस्टर है जी, फिर उन्होंने यही गल कहनी सी। पर गल यह है कि जे मैं थोनू एक दो उदाहरण दे दा ना पिछलियां, किमें जिहड़ा गन चलवाई, चलवा के किमें वीडियो बनाई, वीडियो बना के किमें जिहड़ा उहदे उपर परचा दर्ज करवाया, यही कैप्टन अमरिंदर सिंह वर्गिया ने, यही कैप्टन वर्गिया ने जिहड़ा कैप्टन एक टाइम गैंगस्टर कहिंदा सीगा, ते जदों इहदे कोले कांग्रेस पार्टी विच सीगा उदों किमें जिहड़ा सारा कुछ कैप्टन ने करवाया सी, ते बाद च जदों उह बंदा इस दुनिया तों चल गया, ते बाद च फिर उही इहने हंझू जिहड़े सिट्टे। यह पंजाब की राजनीति है। असी जदों, मैं थोनू गल थोड़ी जी घटना दसना चाहुणा, जदों बाई ने घटनाक्रम होया, मैं उहदी चलो चले गए, क्योंकि मेरे नाल बड़ियां सांझां जुड़ियां नेगियां, बड़ा बाई ने मैनूं देना, मैनूं फिल्म दे विच लै के आया, गीतां दे विच लै के आया, इत्थों तक करके मैं मतलब बाई बिन कहे मेरे घर जिन्ने वारी भी आया, मैं उहदा बाई नाल बड़ा प्यार रहा, क्योंकि उहनूं जे कोई करोड़ां रुपया देंदा उह किसे तां घर नहीं सी जांदा, उह थोनूं सभ नूं इह चीज़ां दा पता है ना। पर उदों चला गया मैं, जिहड़ी दो तीन दिनां दे विच राजनीति हुंदी देखी है, जदों कि गल नौजवान बाहर कूकां मारन लग गए, मैसेज कर लग गए, मैं सारे देखिया है ना भी भाई तुम कुछ करो, सानू सानू नौजवान कहते तुम कुछ करो, भी इतने सारे राजनीति करी जाते हैं।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਜਿੱਦਣ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮਾਨਸਾ ਕੈਂਚੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣੇ ਆ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੌ ਜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਤੜਕੂਗਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌ ਵੀ ਲੈ ਦੂੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ ਜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਇਕੱਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧੂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਟੂ ਪਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਟੂ ਪਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਬਚ ਲਓ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 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 ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀਗੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 100% ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀਰੇ ਵਰਗੇ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਜਦੋਂ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀਰੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਵਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਜੇ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਵਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਧਰ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਢੱਕਤਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਾਲੇ ਗੋਰਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲਓ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਜੇ ਬਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡੱਡ ਬੋਡੀ ਧਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਰਨਾ ਲੜਨਾ ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲੜਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜਿੰਗ ਸਿੰਘ ਦੋ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ ਤੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿੱਤਰ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਸਾਰੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਕਹਿ ਫਿਰ ਚੱਲ ਉਹਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੇਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਲਾ ਧਰਨਾ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕਈ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾਣਦੇ ਬੈਠੋ ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਲਾਓ ਹੁਣ ਧਰਨਾ ਹੁਣ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੜਕਾ ਆਉਂਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਦਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਧੁੱਪ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਦਈਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਖੜਨਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜਾਂਗੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਮੁੜਕਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਣ ਮਾਨਸਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇਗੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਬਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਝੂਠੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਨੇਗੇ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣਿਆ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਨੇਗੇ ਜੇ ਖੂਨ ਡੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲਓ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਕਰੀਬੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦੇ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ SSP ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ
ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਤੱਕਰ ਉਹ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇਗੇ, ਸਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇਗੇ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਬਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰ ਜੂ ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਸਟਾਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜੂ ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੋ ਜਾਣਦੇ ਫਿਰ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸਹੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਹੀਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘੇਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਰੇ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਆਏ ਪੁੱਛਦੇ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਾਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਰਾਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਚਰਿੱਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਖੰਡਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾ ਦਈਏ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲਿਆ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ 84 ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ SOIL ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੇਰਵਾ ਪਾਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਟ ਤਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ SOIL ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸ਼ਰਮ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਛੇਕਣੀਆਂ, ਐਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵਗੇ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵਗੇ, ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹਿੰਮਤ ਆ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਬੁੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੇਸ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਟਰੇਸ ਕਰੇ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਫੜੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗੂਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗੂਗੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਟਰੇਸ ਕਰੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰੋਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਤਿੱਕਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਆਹ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰੋ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਗਲਤੀ ਰਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਛੇਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਇਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ AK-47 ਚਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰੀ ਸੀਗੀ, ਇਹੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਦੋਂ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਕਰਿਆ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਇਹ ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫੇ ਨੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਜੂ ਰੂਜੇ ਬੜਿੰਗ ਵਰਗਿਆਂ ਕੋਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਇਹ ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੱਟ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਸੀ,
मैं गल्ला बई मैं थोड़ी सौ मैं गल्ला बोलना नहीं चाहता, मेरा मन भरया आ। मैं क्या यार गल अज तक किसी ने यह गल नहीं बोली, मैं क्या इन्होंने इन्हों दसी है भी आह जी आह कुछ गंद पा रहे हैं। मैं हिम्मत करके मैं गल्ला थोड़े अगे रखिया नहीं, मेरे ना बहुत गुस्से होंदा रहा, पर हुण उहनूं चीज़ का पता लगन लग गया भी हाँ ये राजनीति आ है। मैनूं कहिंदा तू बहुत गुस्से आ पिंड आ पिंड तैनूं इन्ने संभाते आ पिंड इन्ने संभाते तू इन्हां दे विच जा प्रचार कर। मेरी सिर्फ और सिर्फ मेरे ना दो तीन महीने का इस करके नहीं सी बोलिया कि तू कांग्रेस का प्रचार क्यों नहीं सी करन आ रहा, बस मैनूं पता सीगा भी इहनूं मेरा छोटा भाई इहनूं पता लग जाणा, इहनूं पता लग जाणा इहनूं आह चीज़ां दा वी आह चीज़ ने, इह हराउण वाले भी इही हुंदे ने खड़ा कराउण वाले भी ने इही हुंदे नेगे। आह की तुसीं इक एमएलए बना के उहनूं तार लैंदे, मैनूं इक चीज़ का जवाब दिओ, उह पूरी दुनिया दे विच राज करके गया उह बंदा, तुसीं माड़ा कहो। इस करके इन्हां दे कोले कोई भी पंजाब दे विच किसे भी तरह का हो जाए इन्हां कोले राजनीति थे आ जांदी है वी राजनीति करिए, इत्थे मौका है, इत्थे मौका, इत्थे रोटियां सेकण दा मौका है। मैं होर बहुत सारियां गल्लां नेगियां हजे इन्हां ने, मैं होर थोड़े दिन खड़ो इन्हां ने, मैं होर कपड़े उतारूंगा हजे थोड़े अगे होर गल्लां रखूंगा, मैं इन्हां दियां बड़े सबूतों के तहत अगे रखूंगा भी किस तरह यह बंदे नूं वरतदे ने, किस तरह यह बंदे नूं वरतदे नेगे। गैंगस्टर बनाउण वाले कौन ने जी, मैनूं इस चीज़ का सवाल का जवाब दिओ। आ जिहड़ा बादल सुखबीर बादल ने सारे गैंगस्टर तां इहने तैयार करे नेगे, जिहड़ा बादल है सुखबीर बादल ने सारे ने गैंगस्टर इहने तैयार करे नेगे। लखे सिधाणे ने 20 वारी गल बोली भी मैनूं मलूके ने गैंगस्टर बनाया, श्रोमणी अकाली दल का वड्डा लीडर रहा, आ जिहड़ियां फोटोआं आ गईआं सारियां गैंगस्टर बनाउण तां इही लीडर नेगे। इह आ माड़ा थले करो, इह जिहड़े आपणे नेगे इह पहला बंदे नूं वरतदे नेगे फिर उहनूं गैंगस्टर बनाउंदे। हजे जिहड़ियां हुण जिहड़े वड्डे गैंगस्टर नेगे उहनूं सेंटर गवर्नमेंट वरत रही आ। जे मैं थोड़ू बहुत सारिया गल्लां बोलां इत्थे मेरे वर्गे दी कोई सेफ्टी नहीं हैगी, गल्लां दा मैं सारियां नंगियां करदा कि सेंटर गवर्नमेंट हुण की कुछ करा रही है, जानबुझ के सेंटर गवर्नमेंट किहनूं पाल रही है, गल्लां दा मैं सारियां नंगियां थोड़े करके अगे धर दिंदा। गल कर इह आ वी कल नूं मेरे ते आ चढ़नगे इह गैंगस्टर जिहड़े थोड़े पैदा किए हुए नेगे। कांग्रेस ने अलग आपदी पार्टी गैंगस्टर पैदा किए ने नौजवान साढ़े पिंडां दे, अकाली दल ने अलग, भाजपा हुण वड्डे हाई लैवल ते तैयार कर रही है। इस करके थोड़े ही सारे पैदा किए हुए ने, किसी के होर नहीं पैदा किए हुए, ये आम नौजवान रहे नेगे। यह नौजवानों नूं तुसीं चक चका के पैदा करदे हो वी आ जा ओए आ जा मेरे नाल आ जा। जदों नौजवान 20-25 साल का हुंदा उहनूं जिधर पासे मर्जी रह जाओ, गैंगस्टर सारियां पार्टियां ने आपणे आपणे पैदा किए नेगे, सारे ने गुंडागर्दी तुसीं आप की है, किने पंजाब की गल की है तुहानूं सभ नूं चंगी तरह तुहाडा पता है। पंजाब की नौजवानी नूं गैंगस्टरी वल लैके जाण वाले यही लीडर नेगे, इन्हां तों बचो। ये हर एक थम इन्हां दा हुंदा वी इत्थे राजनीति करिए इत्थे राजनीति करिए, जिहड़े दा कहोगे ना लैके दस दूंगा वी आ इहने गैंगस्टर इहने पैदा कीता आ इहने कीता आ इहने कीता, सारे ने पैदा किए हुए नेगे। तुसीं तां नौजवानी नूं उधर धक्कदे हो नशियां वल, तुसीं धक्कदे हो, चिट्टा नशा क्यों नहीं पंजाब दे विच बंद हुंदा जी, तुसीं विकाउंदे हो नशा, थोड़ी पुलिस पैसा बनता, सब नूं पता कि चिट्टे नशे तो सब तो वड्डी कमाई आ, तां करके जिहड़ा चिट्टा नशा उह विकदा। नशा बंद करना किड्डी कि वड्डी गल है, दो दिनों दे विच नशा बंद होजू जी पंजाब दे विच नशा बंद करना, पर जाण के नहीं करदे पता भी अफसरां नूं सरकार नूं सब तो वड्डी आमदन इस तों आ। इन्हां नहीं तां थोड़ी पंजाब दे, मैं तुहानूं गल दस दिंदा नौजवानों, थोड़ी नशल कुशी करन दे तोले होए नेगे वी वधिया पंजाब दे नौजवान चिट्टे ना मरन, पंजाब दे नौजवान बाहर जाण, असीं पंजाब दे उपर राज करिए। इन्हां तां राजनीति बहुत ज़्यादा माड़ी आ, तुसीं हद तक सोच नहीं सकते भी इह कित्थे तक माड़ा सोचदे नेगे। इह तां अज तों आउण वाले 20-30 सालां तक माड़ा सोच के चलदे नेगे वी आह बर्बादी होवे, आह पंजाब दी बर्बादी होवे। इस करके कोशिश करिया करो बाई बन के भी इन्हां दे जिहड़े आह जिहड़े एक ड्रामे करदे ने, ड्रामिआं चों निकलण दी कोशिश करिया करो, थोड़ा जिहा अकल नूं हत्थ मार के देख लिया करो। सारे इह रले खुले इक ही हुंदे नेगे, सारिआं नूं वोटां तिकर सीमित हुंदा, मरे मुरदा इहनां नूं किसी नूं कोई परवाह नहीं। इह तां यार मैं तैनूं गल दस दिंदा, आह बीबी जगीर कौर दी गल दस दिंदा, उहदी कुड़ी मरवाती सी कुर्सी खातर, बड़े लीडरां ने आपदे धी पुत्त कुर्सियां खातर मरवाए ने, कुर्सी ते पावर इहनां नूं इन्नी कु ज़्यादा पैरी हुंदी तां आपदे धी पुत्तां नाल सके नहीं हुंदे। तुसीं तां बड़ी दूर दी गल हो, थोड़ी तो बड़ी दूर की गल है, तो यह तो आपके ब जवाकों ने सके नहीं होंगे, जो इन्होंने पता लग जाए भी साड़ी इतने पावर की गल आ गई, साड़ी इतने राजनीति खोई जाऊगी, उन्होंने तो आपके जवाक नहीं बख्से, तुम कि बाग की मूली हो। पंजाब के नौजवानों थोड़ा जहा इस चीज़ को समझो, तो अकल में जरूर हाथ मारा करो, जिथे कोई चंगा करता चंगा कहो, जिथे कोई माड़ा करता माड़ा कहो, ये थोड़े सारे आ। यह ना हो किसी पार्टी का गलत पा के मन के चल पटा, आज जिहड़ियां मर्जी झाड़ू झूड़ वाले जिहड़ियां मर्जी पार्टियां ज्वाइन कर लेंदे। सिद्धू बाई तो पहला नवजोत सिंह सिद्धू ने मैनू बुलाया कांग्रेस ज्वाइन कर, आ जा कांग्रेस ज्वाइन कर ला, उदो राजा बने के पता नहीं कितने तुरा फिर हों, ने मैंने कहा कांग्रेस ज्वाइन कर ला। जाण बुझ के इस चीज़ा थोड़ा जा चीज़ों को समझो, सारिया पार्टियां पूर्टियां सारिया एवं नहीं गया। जे कि गलत पता पवा रहा होंगे ना, जो मैं अच्छ किसी पार्टी के हों, मैं लीडर के खिलाफ नहीं बोल सकता, कहें भी हाँ ये गल बोल रहा है।
सारे उस चीज से तुले हुए ने, किसी नू किसी दा कोई मरदा नहीं, किसी दा कोई होदा नहीं, जिहड़े बंदे बंदे आर्थी दे लाश ते पए ते राजनीति करी गए ने। जे चाहुंदा ना मैं कोई मेरा सवाल है मेरी इस चीज का जवाब दे दे राजा बड़िंग, जे चाहुंदा ना भी हाँ मैं राजा बड़िंग कहना भी मैं हाँ सच्ची हूं, मैं सिद्धू नाल मेरी हमदर्दी है मेरी बाई नाल, तो एक गल कह दे भी हाँ संत जरनैल सिंह नूं फोटो ला के रखदा सीगा, आपदा आइडल अपना हीरो मानदा सी, कह दे भी हाँ संत जरनैल सिंह सही सीगे, गल कह के दिखावे। फिर इंदिरा गांधी नूं मां क्यों मानदा, मेरी गल का जवाब दे आके। फिर इंदिरा गांधी नूं आपदी नूं मां क्यों मानदा, क्यों टी शर्टा पा के फॉर्मैलिटी करदा, खड़ फिर एक पासे, खड़ सिद्धांतां ते खड़, मेरी इस चीज का जवाब दे दे राजा, जिहड़ा तू अज फोकी फॉर्मैलिटी करी ना, कह भी इंदिरा गांधी दुश्मन सीगी पंजाब दी, जवाब दे इस गल का मैनू, क्या फिर संत सही सीगे, एक पासे खड़ जा सिद्धू पासे खड़ जा कांग्रेस पासे खड़, खड़ एक पासे स्टैंड ला, दे मेरी इस गल का जवाब दे, झूठिया दिखावे करता पता झूठिया मोमबत्तियां, कल उत्थे तेरे बठिंडे तेरे घर वाली भी मैं देख ली सी, बहुत चंगी तरह देख ली सी तेरी घर वाली भी उत्थे मोमबत्तियां चक्की फिरदी सी। फोकी फॉर्मैलिटी, ये फोकी राजनीति करनी बंद करो, जे पंजाब का कुछ भला चाहते हो, जे सच्ची हो पंजाब नाल प्यार कर दो, ये चीज़ां बंद कर दो करनियां। अपनी हर एक गल विच पंजाब दे दर्द सीगा, इत्थों तक करके गल खालसा राज दी भी कहती सी इंटरव्यू दे विच, जिहड़े तूं गल्लां करदा जां फिर उह कह रहे झूठा, जां उह कह रहे झूठा, इक जणे नूं झूठ, इक जणे नूं इक पासे रख, देख रहा मेरा लाइव इस टाइम पक्का, उहदे बंदे सारा लाइव देख रहे होणगे मेरा, देख लो आ चीज़ का जवाब दो मेरी दा। धन्नवाद जी सारिआं दा, मैं थोड़ा जिहा कईआं नूं कुछ लगणा, चल पिआ जी। हाँ जी बाई, सत श्री अकाल सारे भैन भरावां नूं, नौजवानां नूं, खास करके मेरी अज दी इह गल मेरे नौजवान भैन भरावां नूं बड़ी सुणन दी लोड़ है, जो चीज़ां मैं देखियां ने, जो चीज़ां जिन्ना क मैनूं सूझ है, मैं उस हिसाब दे नाल तुहाडे नाल मैं गल करनी है कि जिन्ने भी तुसीं जाणे देखोगे, मैं देखिया कि राजनीति किस तरह, जिहड़ी राजनीति किस तरह पंजाब दी, किस तरह की राजनीति है। एक बंदे दे तुर जाण तों बाद सारे कहिंदा मैं राजनीति नहीं करदा, सारे राजनीति करदे नेगे, पंजाब दे विच राजनीति हुंदी है, एक बंदा तुर गया उहदे जाण तों बाद बहुत राजनीति हुंदी है, राजनीति इस तरह की हुंदी है कि घटिया राजनीति, कि उह जदों बंदा तुर जांदा उहदी आत्मा नूं शांति लई, साढ़े मैं कथा भी सुनिया ने, गुरु घरां दे विच सुनिया ने, भी उहदी आत्मिक शांति लई अरदास करिए, कोई पुन्नदान करिए, है ना, आत्मा दी उहदी आत्मा नूं भी परमात्मा उहदी आत्मा नूं शांति देवे, पर इत्थे उहदी आत्मा नूं बंदे दी आत्मा नूं तड़फाउण दे लई किस तरह जिहड़ी राजनीति कीती जांदी है। मैं सिद्धू बाई नाल मेरे नाल इस गल तो नाराज़ हो गया सीगा कि तू कांग्रेस का चोण प्रचार नहीं करना रहा, मेरी बड़ा मित्र सीगा, मैं खिलाफ कुछ नहीं बोलिया, मैंने बड़े कमेंट आए लोगों ने तू सिद्धू बारे कुछ बोल, सिद्धू बारे बोल, मैं वोटों के बिच कुछ नहीं बोलिया, बड़ा नाराज हुआ, घर भी आया, फोन बड़े आए, तू आपदे आप लीडर कहाँ लग गया बड़ा, मैं कोई गल नहीं, मेरा भरा है छोटा, मैं इतों इन आप ही गल का चानना हो जाना, इन आप ही इस गल का पता लग जाना, मैं चंगी तरह पता सीगा। तो जो कांग्रेस ज्वाइन करी मैं उसे कहा, मैं बई तू इन्हें ज्वाइन ना कर, किसी भी राजनीतिक पार्टी में ज्वाइन ना कर, तू तू अज खुद का मुख, तू खुद सीएम है, तेरी खुद सीएम तो एक बड़ी पहचान है, तू खुद मंत्री है, तेनू कला पंजाब नहीं तेनू दुनिया सारा वर्ल्ड प्यार करता, मैं सिद्धू नूं इह गल आपदे मूहों इह गल मैं कही सी, तू कांग्रेस ज्वाइन ना कर, किसी पार्टी में ज्वाइन ना कर, मैं तेनू मैं सिद्धू नूं इह गल कही सी, पर मैनू सारियां गल्लां पता सीगियां भी क्यों सिद्धू जाना चाहुंदा, क्योंकि कौन लैके जाना चाहुंदा उहनूं राजनीति दे विच, मैनू इह बड़ा चंगा पता सीगा, क्योंकि उह लोकां नूं सीगा अपना फायदा सीगा, उह अपना फायदा सोच रहे सी, अपना फायदा दिस रहे सी, जिहड़े लोकां नूं उस टाइम उहनां नूं पार्टी ज्वाइन करवाउण वेले फायदा दिख रहा सीगा, उह लोक हुण भी इस टाइम फायदा लै रहे नेगे, कोई मोमबत्तियां जगाई जांदा, कोई कुछ करी जांदा, कोई कुछ करी जांदा, मैं बोलना नहीं चाहुंदा, पर मैं देख रहा सीगा भी बोलना भी इह गल ते बोलना भी जरूरी है। मैं इह जदों के जदों एक्सीडेंट हो गया बाई का, मैं उस टाइम ही हस्पताल दे विच जा वड़िया सीगा, क्योंकि मैं ना तो मैं चार पाँच तरके दो तीन महीनों तो उहदे कोले गया सीगा, ना मेरी कोई वह गल करता सी मेरे नाल, जदों मेरे नाल पूरे गुस्से हो गया सीगा भी तू मेरा पिंडां दे विच चोण प्रचार क्यों नहीं कर रहा, तू होर किहदा चोण प्रचार करन लई जा रहा, तू कांग्रेस का चोण प्रचार क्यों नहीं, मैं बाई नूं कहती सी, मैं कहा बाई तू मेरे नाल जिन्ना मर्जी गुस्से हो जा, पर मैं कांग्रेस का चोण प्रचार नहीं करूँगा, आ जिहड़ी दिल्ली दीआं पार्टियां दा मैं चोण प्रचार नहीं करूँगा। इस करके अज जिहड़ियां जिहड़े बंदे मैं एक थोड़ी जिही वीडियो दिखाउणा चाहुणा, क्योंकि उहदे गैंगस्टरां नाल लिंक साबित हो गए, एक दो मर्डर केस है उहदे च, जिहदे कोले आ सारी रिकॉर्डिंग करवाउंदा सारा कुछ, कहिंदा जे लिंक उहनां नूं लिंक हो गए फिर उह डरा के उहनां ने कीता, पर जे लिंक साबित हो जाणगे, ऐ नहीं
सोचता है कि मैं कांग्रेस बचा लूगी ना कांग्रेस बचा सके। अज मूसेवाला इन्होंने लैके आए ने, मुजहरा हो रहा उत्थे मानसा के गैंगस्टर कैसे लैके आए हो तुम बच्चे। पंजाब हैज ग्रोन फिर कांग्रेस वाले ने ही टिप्पणियां करनी सी। पंजाब की राजनीति फिर उ पार्टियां टिप्पणी करते सिद्धू ने, फिर उन्हें फिर कांग्रेस ने जिहड़े राजे बड़िंग वर्गे ने कहना सीगा भी एक गैंगस्टर है जी, फिर उन्होंने ही गल कहनी सी। पर गल यह है कि जे मैं थोनू एक दो उदाहरण दे दा ना पिछलियां किवें जिहड़ा गन चलवाई चलवा के किवें वीडियो बनाई वीडियो बना के किवें जिहड़ा उहदे उपर परचा दर्ज करवाया, यही कैप्टन अमरिंदर सिंह वर्गिया ने, यही कैप्टन वर्गिया ने जिहड़ा कैप्टन एक टाइम गैंगस्टर कहिंदा सीगा ते जदों इहदे कोले कांग्रेस पार्टी विच सीगा उदों किवें जिहड़ा सारा कुछ कैप्टन ने करवाया सी, ते बाद च जदों उह बंदा इस दुनिया तो चल गया ते बाद च फिर उही इहने हंझू जिहड़े सिट्टे। ये पंजाब की राजनीति है। असी जदों मैं थोनू गल थोड़ी जी घटना दसना चाहना, जो बई ने घटनाक्रम होया मैं उदी चलो चले गए, इस कारण मेरे नाल बड़िया सांझा जुड़िया ने गिया। बड़ा बई ने मैनू देना, मैनू फिल्म दे विच लैके आया, गीतां दे विच लैके आया, इत्थों तक करके मैं मल्ला दा बई बिण कहे मेरे घर जिन्ने वारी भी आया मैं उहदा बई नाल बड़ा प्यार रहा, क्योंकि उहनूं जे कोई करोड़ां रुपया देंदा उह किसे दे तां घरे नहीं सी जांदा, उह थोनू सब नूं इह चीज़ां दा पता है ना। पर उदों चला गया मैं जिहड़ी दो तीन दिनां दे विच राजनीति हुंदी देखी है, जदों कि गल नौजवान बाहर कूकां मारन लग गए, मैसेज कर लग गए, मैं सारे देखिया है ना भी भाई तुम कुछ करो, सानू सानू नौजवान कहते तुम कुछ करो भी इतने सारे राजनीति करी जाते हैं। जदों ये गल जो पता लग गया भी जिदन संस्कार का दिन सीगा भी मान साहब आ रहे हैं, जिदन पोस्टमार्टम होया एक दिन पहला संस्कार तो पहला मान साहब नूं मैं कहा, मैं कहा जी आप मान साहब कैंचे धरना लाने एक उत्थे लीडर की मैं गल सुनी, मैं गल नौ जो होया तो मैं जो कोई बड़ा तिड़कूंगा वह आने वाले दिनों के नौ भी लै दूंगा, मैंने किसी तो मैं डरता घबरा नहीं। कहना भी जे मान साहब ने धरना लाता, जे मान साहब ने धरना लाता जां इन्हां नौजवानों ने धरना लाता तो ये तो फिर अपना की बनूगा, अपनी पार्टी का की बनूगा, जिन्हें रोटियां सेकी जाते हैं जिन्होंने उत्थे रोटियां सेकिया ने गिया। मैं हाथ बन के थोड़े अगे बेनती करदा, सिद्धू कला कांग्रेस का नहीं है, सिद्धू पूरी दुनिया का सीगा, सिद्धू अपनी कौम नूं प्यार बहुत करता सीगा। असल दे विच गल की हुई है जो कोई भी नौजवान अपनी कौम की अपने अपने लोगों की गल कर लग जाए, जिस तरह सिद्धू टू पाक की गल करता सी ना, टू पाक की गल करता सी, सिद्धू भी अपनी एक कम्यूनिटी की अपनी कौम की गल कर लग गया सीगा। इस करके वह जिहड़ियां लीडरां नूं जां सरकारां नूं उन्हां नूं पता लग गया भी हुण बच लो, हुण अपनी कौम की और लोगों की गल कर लग गया सीगा। इत्थों दे करके मेरी गल नहीं हुई तो सरदार सिमरजीत सिंह मान दा जिहड़े कांग्रेसी ये गल कहिंदे ने ना भी असी 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 सिद्धू नूं संगरूर तो चोण लड़ाउणी सीगी, सिद्धू ने 100% मैं गल बोलनी नहीं बनती, पर इन्हां दे जिहड़े कांग्रेसी ये भौंकी जांदे नेगे, जिहड़े कुलवीर जीरे वर्गे भौंकी जांदे नेगे कि सिद्धू नूं असीं उत्थों चोण लड़ाउणी सीगी। सब तो पहला बयान जदों कुलवीर जीरे दे मूहरे गल करदे नेगे भी सिद्धू दा किवें तुसीं देखदे हो जिहड़ी सिद्धू दा जिहड़ी मौत हुई है उन्होंने की बोलता, कहना इस कांग्रेस की इस तरह उन्होंने संगरूर तो जिमनी चोन लड़ाने से, वह शर्म कर लो बंदा मरिया पाया, हजे भी रोटियां सेकी जाने हो, हजे भी रोटियां सेकी जाने अके असी उन्होंने संगरूर तो जिमनी चोन लड़ानी सी, वह शर्म कर लो पहला पहला उधर बर्बादी वाल धक्ता, हूँ फिर तुम उधर उन्हें दोबारा फिर वो रोटियां सेकी जाने कि संगरूर तो जिमनी चोन लड़ने जी, वह शर्म करो दुनिया से राज करता है, थोड़ी कांग्रेस थोड़ी इतने पंजाब तक सीमित है, वह पूरी दुनिया काले गोरे से राज करता है, उन्होंने राज करता रहा हो तुम उत्थी फिर लैके उन्होंने खड़ाई जाने अगर संगरूर तो जिमनी चोन लड़ाने से। हाथ बन के थोड़े अगे बेनती है थोड़ी मोटी शर्म मान लो, थोड़ी मोटी शर्म मान लो, क्यों एवें करी जाने हो? अज तो हर एक गलते राजनीति हो रही है, सारी गलते राजनीति हो रही है। हुण मैनू यह गल दसो जे तुसीं यह गल राजे बिंग ने यह गल कही है, कहिंदा भी जे मैं राजनीति करनी हुंदी, कहिंदा भी मैं मन के चल भी जी डेड बॉडी धर के कहना भी मैं किसी धरना लादा किसी चौंक धरना लादा। मैं तेन बड़िंग सिंह दो तेन सवाल करना चाहना, मेरे दो सवालों के जवाब दे दी, एक तो सवाल का मेरे ये जवाब दे दे कि सिद्धू के सिद्धू सिद्धू इस टाइम सिद्धू हूँ भी कहता कि मैं संत जरनैल सिंह अपना हीरो मानता, तू दस भी मैं संत जरनैल सिंह हीरो मानता, तू संत जरनैल सिंह हीरो मानता या ना मानता, मैं इस चीज़ का जवाब दे दे। हाँ सारिया गल् मैं कहना, तू कहना भी मैं राजनीति नहीं करता, तू कहना भी मेरा भरा है, फिर मैं एक चीज़ का जवाब दे दे भी तू संतान हीरो मानता या ना मानता, राजा बड़िंग मैं इस चीज़ का जवाब दे दे, देवे मेरी इस गल का जवाब, जे तेरे च हिम्मत है तो कह मीडिया के भी जिमें सिद्धू चलता सीगा मैं भी उम्मीद चलता, कह के दिखा। सारे राजनीति करते तुले हुए ने सारे गुंडे ने सारे सारे गुंडे ने गे, इन्होंने सब कुछ करवाया,
कह फिर चल उस फलसफे से दूजी चीज का मेरी जवाब दे जो तू कहना भी मैं धरना लाना चाहता हूं ला धरना इंसाफ ले बैठो ना भाई चिट्टे कपड़े पाके पाके कई भी करन जाणदे बैठो बैठो किसी चौंक च लाओ हुण धरना हुण बह जाओ सारे जे तुहानूं हुण मुड़का आउंदा बैठ के दिखाओ इह जी गर्मी दे विच आ गर्मी दे दिन सीगे जदों असीं मानसा चौंक दे विच सारे भरावां ने इकट्ठे होके जिद्दन मन के चल किसानी अंदोलन चलदा सीगा धुप मैं सिद्धू नूं आख्या मैं उत्ते टेंट ला दईए मैं कहा यार आपां मैं कहा इन्ने लोक किवें खड़नगे कहिंदा ना कहना गर्मी के ही खड़ा शरीर चो मुड़का कट के दिखावे भी हाँ असं किसान के पुत हाँ असं पंजाब के पुत सेंटर गवर्नमेंट में आ चीज दिखावे कहना उपर कोई टेंट लाने की लड़ नहीं जिदन मानसा चौंक के पहली बार धरना लाया बड़िया चीजा जुड़िया ने गिया चीजा ने कलिया राजनीति कल वोटा बस आई चीज दिखती है वो थोड़ा शर्म करो माड़ी मोटी झूठिया मोमबत्तियां चक्की फिर उत्थे की करते हैं हूँ सारे जिले के प्रोग्राम रखे ने गे अज संगरूर रख्या हुआ अज कित होर रख्या हुआ आही आही चीजा ने थोड़े को मैंने एक भी चीज देखो दसो अज तक कि जो सड़कों के उपर बने धरने लाने मोमबत्तियों कित इंसाफ मिले ने गे जो खून डोलना पैंता फिर कित इंसाफ मिलते हैं फिर कित जाके हक मिलते हैं इस करके थोड़े अगे बेनती है थोड़ी मोटी बई बन के शर्म मान लो थोड़ी मोटी शर्म मान लो जोड़े करीबी रिश्तेदार से करीबी बजुर्ग से जोड़े उन्होंने पिंड के उन्होंने अंदर नहीं जान दिता गया तुम मैं जिदन थोड़ा सारा कुछ देखे अज भी जी राजनीति आम आदमी पार्टी बड़ी राजनीति कर रही है हूँ मेरी गल सुनो हूँ आम आदमी पार्टी वालों मैं पूछना चाहना हूँ सुनू का घर देख गया पहला नहीं घर देखा पहला नहीं सुनू वो जा दो गल मैं इतने जाके कल एस एस पी कह के आया भी आह मेरा माड़ा जहा आ मेरे पहला तो मेरे परचे कैंसल हो गए मेरा लसेंस ही बनवा दे मेरे को लसेंस नहीं है उत्थे की आ छे महीने हो गए तुरै फिर भी मेरे तो हूँ कोई परचा नहीं आ हूँ जब लीडर तो फोन कराओ जो करा दो उत्थे तिकर जाके जिहड़ियां सरकारां नहीं गल सुणदे जो मर जाता बंदा बाद च फिर उन्हें सिरां ते तिकर हो लाई रखते हैं सिक्योरिटियां लाई रखते हैं आ चीजा ने थोड़िया सरकारां दीआं थोड़े अज प्रशासन ने की किया अज प्रशासन ने अज की किया वो जिहड़ा जिथे सहज पाठ प्रकाश होया जिहड़े पार्टी नूं तुसीं उहनूं अंदर नहीं जाण दिंदे थोड़े थोड़े मुख्यमंत्री तों की कराउणा उत्थे जाके थोड़े मुख्यमंत्री ने की करना उत्थे जाके मैनूं इस चीज़ का जवाब दिओ जिथे गुरु ग्रंथ साहिब पाठ होया जिहड़े घर के जिहड़े करीबी दुध लैके जाना चाहुंदे ने कोई अंदर दुख सांझा करन जाना चाहुंदा पुलिस उहनूं नहीं अंदर जाण दिंदी तां थोड़ा मुख्यमंत्री दा की फायदा भाई मैंने इस चीज़ का जवाब दो जे थोड़ा मुख्यमंत्री मर जूगा कि वड्डी गल आ जे पंजाब दा एड्डा बड़ा स्टार मर गया जे मुख्यमंत्री दा अटैक हो जूगा कि वड्डी गल हो जाण दे फिर कि वड्डी गल मर गया तो मर गया सही जे पंजाब दा एड्डा वड्डा हीरा मर गया तो तुसीं मुख्यमंत्री लई सारा कुछ घेरी फिरदे हो है थोड़ी मोटी ये जिहड़ी राजनीति है थोड़ी जी देख के कर लिया करो जि सारियां जिन्नियां भी पार्टियां कर दिओ बंदे दे मरे ते राजनीति ना करिया करो इस करके मेरी बेनती है मैं इतों तक करके जिन्हें भी मीडिया वाले सके सारा ने मैनू मेरे मुँह चो पुछना चाहिया सिद्धू नाल तेरे आप सब नूं पता भी जे की संबंध सीगे जिन्हें भी मीडिया वाले आज जिन्ने भी पत्रकार होना सिद्धू ने इंटरव्यू करके लैके ने सारे पुछते होंगे भाई असं चले जाइए उत्थे मैनू सब आए पुछते सारे मैं फोन करते रहे पहले सब नूं पता भी ये की संबंध सी मैं कोई मैं आपका बई बन के मैक जा परा लै जाओ परा लै जाओ असी नहीं चाहते जो कुछ होया परमात्मा सब नूं देख रहा साडा यह असी दसना चाहते असी ऐ करना चाहते असी उहदी गलती असी उहदी गलती है सारा कुछ चरित्रबाजी हुंदी है सारा कुछ पखंडबाजी हुंदी है भी किवें कर रहे नेगे मेरी हाथ बन के बेनती है हजे भी जिहड़े कांग्रसी ये गल्लां कर रहे ने ना बहुत सारिया हजे भी उन्होंने परिवार से इस तरह दल्ला कर रहे हैं भी उत्तर संगरूर तो जिमनी चोन लड़ा दी थोड़ी मोटी शर्म कर लो वो दुनिया उन्होंने प्यार करती है उन्होंने सिख कौम प्यार करती है सिखी जिहड़ी सिखी उहदे विच मैं देखी है मैनू उस चीज़ का पता है ठीक है तुसीं अपनी इंदिरा गांधी नूं मां मानदे हो तुसीं जो कुछ उन्होंने प्रभा लिया भरमा लिया वो वक्री गल है वह पर इंदिरा गांधी की सोचता सीगा चरा जिहड़ा काल तख्त अटैक होया उन्होंने की सोचता से मैं बहुत चंगी तरह पता है वो किवें जिहड़ा SOIL आ रही है की कुछ उन्हें लिखा होया थोड़ी इंदिरा गांधी का भी उन्हें वेरवा पाया उस कट तो कट दिता जाए तो वक्री गल थोड़ी इंदिरा गांधी ने भी झाड़िया होया जिहड़ा SOIL जिहड़ा हुण गाना रिलीज जिहड़ा रिकॉर्ड होया पिया हो सकता भी वह रिलीज़ होवे थोड़ी मोटी बई बन के किसी माँ प्यो दे शर्म माँ प्यो आ किसी दा उन्हूं पुछ लो भी उहदा माँ प्यो दा दुख की है हर थां रोटियां छिकणियां ऐ करनियां कितने उत्थे मोमबत्तियां चाके वागे कितने उत्थे मोमबत्तियां चाके वागे जे थोड़े जिहे हिम्मत आ कुछ करके दिखाओ ये तो वैसे अज मैं लगता अज सारा कुछ क्लीयर हो जाना अज जां कल दे विच सारा कुछ क्लीयर हो जाना बंदे बंदे दा वो जिहड़ा ट्रेस वो कर लेना क्योंकि सरकार नूं पता है जे बंदे ना ट्रेस करे जे बंदे ना फड़े सरकार नूं इस चीज़ का चंगी तरह पता भी सरकार डिगूगी सरकार डिगूगी इस चीज़ का सरकार नूं चंगी तरह पता है अज दे कल दे विच ये सारा कुछ हो जाना है
सरकार डुगूगी इतने तक मसला पहुंचा पाया भगवंत मान की कुर्सी जाऊगी जे बंदे ना ट्रेस करे लोगों के नौजवानों के इन्ना रोह है कि दुनिया जिन्होंने प्यार करती थी वो दुनिया के चल गया अज के कल के मैं थोड़े ना मेरी गल रिकॉर्ड कर लियो मेरी गल नोट कर लियो अज के कल के जोड़े दोषी ने उन्होंने फट के प्रशासन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पैनी है येरा थोड़े ना वादा रहा अज जी मैं थोड़ा गल कहती ना क्योंकि पता मुख्यमंत्री को मेरी कुर्सी जाऊगी पता इस चीज़ का चंकी तरह इस करके बाई बन के जे राजनीति करनी होंगी ना इस चीज़ तो थोड़ा जहा परा रहा करो थोनू यह हों भी इन्नी पंजाब की राजनीति माड़ी होगी कि पंजाब दे विच कोई अमन शांति दे तकर तो है नहीं गा हर एक नू यह हुंदा भी असी राजनीति करिए इत्थे वोटा बन गया आ गल ते वोटा बन गया असी इहनू घेरो इहनू घेरो मैं मानदा भगवंत की गलती रही है बहुत वड्डी पर थोड़ी मोटी शर्म करो बाई बन के ठीक है इस करके थोड़े अगे बेनती करदे आ जिन्या भी तुसी वोटा छेक रहे हो आही कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़ा गैंगस्टर कहना सी ना जो पहला सरकार सी यही कैप्टन ने जिहड़ी AK-47 चला के इन्हां दे मुलाजमां ने वीडियो बना के इन्हां ने वायरल करी सी यही यही अफसर ने पुलिस अफसर ने जान बुझ के उदों धक्किया गया बंदे नूं इस दे विच जान बुझ के वीडियो बना के उदों करिया गया थोड़ी मोटी शर्म मान लो मैनू मेरे नाल बड़ा गुस्से हुंदा बड़ा दो महीने मेरे नाल गुस्से होया तू नहीं आता मेरा प्रचार करना मैनू ना सारा ना पता इन्हें खाली लिफाफे का मैं बहुत चंगी तरह पता है खाली लिफाफे ने गए इन्हों को अले पल कुछ नहीं है राजू रूजे बड़ंग वर्गों को मैंने ना चंगी तरह पता इन्हों का बहुत चंगी तरह पता है ये खाली लिफाफे ने इन्होंने कांग्रेस कांग्रेस वो कांग्रेस में चक लो जी कांग्रेस ने साडा सारा कुछ पंजाब का तबाह करता सो की कांग्रेस है वह बंदा हुण सिक्खी वल पूरा प्रेरित सीगा पूरा अपनी कौम की गल कर लग गया सीगा फिर इन्होंने चुभिया भी बंदा सारा कुछ जान बुझ के कराया गया इन्होंने सारा सारे बिच ने लंडर लुच्चे कट्टे हुए हुए मैं गल बई मेरे मैं थोड़ी सौ मैं गल बोलना नहीं चाहता मेरा मन भरया आ मैं क्या यार ये गल अज तक किसी ने यह गल नहीं बोली मैं इन्होंने इन्हों दसीए भी आह जी आह कुछ गंद पा रहे हैं मैं हिम्मत करके मैं गल् थोड़े अगे रखिया नहीं मेरे ना बहुत गुस्से होंगे रहा पर हूँ उन्होंने चीज़ का पता लगन लग गया भी हाँ ये राजनीति आह है मैंने कहना तू बहुत गुस्से हुआ आह पिंड आह पिंड तेन इन्हें संभाते आह पिंड इन्हें संभाते तू इन्हों के जा प्रचार कर मेरी सिर्फ और सिर्फ मेरे ना दो तीन महीने का इस करके नहीं बोलिया कि तू कांग्रेस का प्रचार क्यों नहीं करना आ रहा बस मैं पता सगा भी इनू इनू मेरा छोटा भाई इनू पता लग जाना इन पता लग जाना इन आह चीज़ों का भी आह चीज़ ने यह हरा वाले भी यही होंगे ने खड़ा कराने वाले भी ने यही होंगे ने कि तुम एक MLA बना के उन्होंने तार लेंगे मैंने एक चीज़ का जवाब दो वो पूरी दुनिया के राज करके गया बंदा तुम माड़ा कहो इस करके इन्हों के कोल कोई भी पंजाब दे विच किसी भी तरह का हो जाए इन्हों को राजनीति थे आ जाती है भी राजनीति करिए इतने मौका है इतने मौका इतने रोटियां सेकण का मौका मैं होर बहुत सारिया गल् ने गया हजे इन्होंने मैं होर थोड़े दिन खड़ो इन्होंने मैं होर कपड़े उतारूंगा हजे थोड़े अगे होर गल् रखूंगा मैं इन्हों दियाँ बड़े सबूतों के तहत अगर अगे रखूंगा भी किस तरह यह बंदे वरतते हैं किस तरह यह बंदे वरतते हैं गे गैंगस्टर बनाने वाले कौन ने जी मैंने एक चीज़ का सवाल का जवाब दो आ जो बादल सुखबीर बादल ने सारे गैंगस्टर तो इन्हें तैयार करे ने जिहड़ा बादल है सुखबीर बादल ने सारे ने गैंगस्टर इन्हें तैयार करे ने लखे सिधाणे ने 20 वारी गल बोली भी मैंने मलूके ने गैंगस्टर बनाया श्रोमणी अकाली दल का वड्डा लीडर रहा आ जिहड़ियां फोटो आ गईयां सारियां गैंगस्टर बनाउण तां इही लीडर ने गे इह आ माड़ा थले करो इह जिहड़े आपणे ने गे इह पहला जिहड़ा पहला बंदे नूं वरतदे ने गे फिर उहनूं गैंगस्टर बनाउंदे हजे जिहड़ियां हुण जिहड़े वड्डे गैंगस्टर ने गे उहनूं सेंटर गवर्नमेंट वरत रही आ जे मैं थोड़ू बहुत सारिया गल् बोला इतने मेरे वर्ग की कोई सेफ्टी नहीं हैगी गलों का मैं सारिया नंगिया करना कि सेंटर गौरमेंट हूँ की कुछ करा रही है जान बुझ के सेंटर गौरमेंट किनू पाल रही है गलों का मैं सारिया नंगिया थोड़े करके अगे धर दिना गल कर रहा यह है भी कल मेरे त्या चढ़न गए गैंगस्टर जोड़े थोटो पैदा किए हुए हैं गे कांग्रेस ने अलग आपकी पार्टी गैंगस्टर पैदा किए ने नौजवान साढ़े पिंड अकाली दल ने अलग भाजपा हूँ व्डे हाई लैवल से तैयार कर रही है इस करके थोड़े ही सारे पैदा किए हुए ने किसी के होर नहीं पैदा किए हुए ये आम नौजवान रहे ने गे ये नौजवानों तुम चक चका के पैदा कर दो भी आ जा वे आ जा मेरे नाल आ जा जो नौजवान 20-25 साल का हों जिधर पासे मर्जी रह जो गैंगस्टर सारिया पार्टी ने आपों अपने पैदा किए ने सारे ने गुंडागर्दी तुम आप की है किने पंजाब की गल की सबनों चंगी तरह सा पता है पंजाब की नौजवानी गैंगस्टरी वाल लैके जाने वाले यही लीडर ने गे इन तो बचो ये हर एक थम इन्हों का होंगे भी इतने राजनीति करिए इतने राजनीति करिए जेड़े का कहोगे ना लैके दस दूंगा भी आने गैंगस्टर इन्हें पैदा किया इन्हें किया इन्हें किया सारे ने पैदा किए हुए हैं गे तुम तो नौजवानों उधर धकते हो नशा वाल तुम धकते हो चिट्टा नशा क्यों नहीं पंजाब के बंद हों जी तुम बकाने नशा थोड़ी पुलिस पैसा बनता सब सबनों पता कि चिट्टे नशे तो सब तो वीड्डी कमाई है करके जो चिट्टा नशा वह बिकता
नशा बंद करना किड्डी कि वड्डी गल है, दो दिनों के नशा बंद होजू जी पंजाब दे नशा बंद करना, पर जान के नहीं करते पता भी अफसरां नूं सरकार नूं सब तो वड्डी आमदन इस तों आ। इन्हां ने तां तुहाडी पंजाब दे, मैं तुहानूं गल दस दिंदा नौजवानों, तुहाडी नशलकुशी करन दे तुले होए नेगे वी वधिया पंजाब दे नौजवान चिट्टे ना मरन, पंजाब दे नौजवान बाहर जाण, असीं पंजाब दे उपर राज करिए। इन्हां ने तां राजनीति बहुत ज्यादा माड़ी आ, तुसीं हद तिकर सोच नहीं सकते भी ये कित्थे तिकर माड़ा सोचदे नेगे। इह तां अज तों आउण वाले 20-30 सालां तिकर माड़ा सोच के चलदे नेगे वी आह बर्बादी होवे, आह पंजाब दी बर्बादी होवे। इस करके कोशिश करिया करो बाई बन के भी इन्हां ने जिहड़े आ जिहड़े एक ड्रामे करदे ने, ड्रामे चों निकलण दी कोशिश करिया करो, थोड़ा जिहा अकल नूं हत्थ मार के देख लिया करो। सारे ये रले खुले इक्को ही हुंदे नेगे, सारिआं नूं वोटां तिकर सीमित हुंदा, मरे मुरदा उहनां नूं किसे नूं कोई परवाह नहीं। इह तां यार मैं तैनूं गल दस दिंदा, आह बीबी जगीर कौर दी गल दस दिंदा, उहदी कुड़ी मरवाती सी कुर्सी खातर, बड़े लीडरां ने आपदे धी पुत कुर्सियां खातर मरवाए ने, कुर्सी ते पावर इहनां नूं इन्नी कु ज्यादा पैरी हुंदी तां आपदे धी पुत्तां ने सके नहीं हुंदे। तुसीं तां बड़ी दूर दी गल हो, थोड़ी तां बड़ी दूर की गल है, तो यह तो आपके ब जवाकों ने सके नहीं होंगे, जो इन्हों ने पता लग जाए भी साड़ी इतने पावर की गल आ गई, साड़ी इतने राजनीति खोई जाऊगी, उन्होंने तो आपके जवाक नहीं बख्से, तुम कि बाग की मूली हो। पंजाब के नौजवानों थोड़ा जहा इस चीज़ को समझो, तो अकल में जरूर हाथ मारा करो, जिथे कोई चंगा करता चंगा कहो, जिथे कोई माड़ा करता माड़ा कहो, ये थोड़े सारे आ। यह ना हो किसी पार्टी का गल च पा के मन के चल पटा, आज जिहड़ियां मर्जी झाड़ू झूड़ू वाले जिहड़ियां मर्जी पार्टियां ज्वाइन कर लेंदे। सिद्धू बाई तो पहला नवजोत सिंह सिद्धू ने मैनू बुलाया से कांग्रेस ज्वाइन कर, आ जा कांग्रेस ज्वाइन कर ला, उदा राजा बने का पता नहीं कितने तुरा फिर हों, इन्होंने मैंने कहा कि कांग्रेस ज्वाइन कर ला। जान बुझ के इस चीज़ों थोड़ा जा चीज़ों समझो, सारिया पार्टियां पूर्टियां सारिया एवं नहीं गां, जे कि गलत पता पवा रहा होंगे ना, जे मैं अच्छ किसी पार्टी के हों मैं लीडर के खिलाफ नहीं बोल सकता, कहें भी हाँ ये गल बोल रहा है, सारे उस चीज़ से तुले हुए हैं, किसी को किसी का कोई मरन का नहीं, किसी का कोई ओहदा नहीं, जिहड़े बंदे बंदे आर्थी के लाश से पे तो राजनीति करी गए हैं। जे जे चाहता ना मैं आ मैं एक ही मेरा सवाल आ, मेरी इस चीज़ का जवाब दे दे राजा बनेगा, जे चाहता ना भी हाँ मैं राजा बने कहना भी मैं हाँ सच्ची हूँ, मैं सिद्धू नाल मेरी हमदर्दी है मेरी बाई नाल, तां एक गल कह दे भी हाँ संत जरनैल सिंह नूं फोटो ला के रखदा सीगा, आपदा आइडल अपना हीरो मानदा सी, कह दे भी हाँ संत जरनैल सिंह सही सीगे, गल कह के दिखावे। फिर इंदिरा गांधी नूं मां क्यों मानदा, मेरी गल का जवाब दे आके। फिर इंदिरा गांधी ने अपनी मां क्यों मानता, क्यों टी शर्टा पाके फॉर्मैलिटी करता, खड़ फिर एक पासे खड़ सिद्धांतों से खड़, मेरी इस चीज़ का जवाब दे दे राजा, जिहड़ा तू अज फोकी फॉर्मैलिटी करी ना, कह भी इंदिरा गांधी दुश्मन सी पंजाब की, जवाब दे इस गल का मैनू, कह फिर संत सही सीगे, एक पासे खड़ जा सिद्धू पासे खड़ जा कांग्रेस पासे खड़ खड़ एक पासे स्टैंड लै, दे मेरी इस गल का जवाब दे, वो झूठिया दिखावे करता पर ना झूठिया मोमबत्तियां, कल उत्थे तेरे बठिंडे तेरी घर वाली भी मैं देख ली सी, बहुत चंगी तरह देख ली सी तेरी घर वाली भी, उत्थे मोमबत्तियां चक्की फिरदी सी। फोकी फॉर्मैलिटी ये फोकी राजनीति करनी बंद करो, जे पंजाब का कुछ भला चाहते हो, जे सच्ची हो पंजाब नाल प्यार कर दो, ये चीज़ां बंद कर दो करनियां। अपनी हर एक गल विच पंजाब दे दर्द सीगा, इत्थों तक करके गल खालसा राज दी भी कहती सी इंटरव्यू दे विच, जिहड़े तू गल्लां करदा जां फिर वह कह रहे झूठा जाओ कह रहे झूठा, एक जना झूठ एक जने एक पासे रख, देख रहा मेरा लाइव इस टाइम पक्का, उधर बंदे सारा लाइव देख रहे होणगे मेरा, देख लो आ चीज़ का जवाब दो मेरी का। धन्यवाद जी सारे का, मैं थोड़ा जहा कई कुछ लगना चल पाया जी। हाँ जी बाई सत श्री अकाल सारे भैन भरावान, नौजवानों खास करके मेरी अज की यह गल मेरे नौजवान भैन भरावान बड़ी सुनने की लोड़ है, जो चीज़ा मैं देखिया ने जो चीज़ा जिन्ना क मैनू सूझ है मैं उस हिसाब के नाल थोड़े ना मैं गल करनी है कि जिन्हें भी तुसी जाने देखोगे, मैं देखिया कि राजनीति किस तरह जी राजनीति किस तरह पंजाब की किस तरह की राजनीति है। एक बंदे दे तुर जाण तो बाद हरे कहिंदा मैं राजनीति नहीं करता, सारे राजनीति करते ने गे पंजाब दे विच राजनीति हुंदी है, एक बंदा तुर गया उहदे जाण तो बाद बहुत राजनीति हुंदी है, राजनीति इस तरह की हुंदी है कि घटिया राजनीति कि उह जदों बंदा तुर जांदा उहदी आत्मा नूं शांति लई साडे मैं कथा भी सुनिया ने गुरु घरां दे विच सुनिया ने भी उहदी आत्मिक शांति लई अरदास करिए कोई पुन दान करिए है ना, आत्मा दी उहदी आत्मा नूं भी परमात्मा उहदी आत्मा नूं शांति देवे, पर इत्थे उहदी आत्मा नूं बंदे दी आत्मा नूं तड़फाउण दे लई किस तरह जिहड़ी राजनीति कीती जांदी है। मैं सिद्धू बाई नाल मेरे नाल इस गल तो नाराज़ हो गया सीगा कि तू कांग्रेस का चोण प्रचार नहीं करना आ रहा, मेरी बड़ा मित्र सीगा, मैं उहदे खिलाफ़ कुछ नहीं बोलिया, मैनूं बड़े कमेंट आए लोगों ने तू सिद्धू बारे कुछ बोल सिद्धू बारे बोल, मैं वोटां दे विच कुछ नहीं बोलिया, बड़ा नाराज़ हो